अभी आपका चैप्टर 3 था बेटा, पार्ट 1 में यहाँ तक रीड करा दिया था। जब आप नई वीडियो देखा करें तो पुराने वीडियो भी पहले देखा करें, आपको समझ में आ जाएगा। द इंडस बेसिन, बेसिन जो नदी का किनारे का एरिया होता है उसको बेसिन कहते हैं। द रिवर इंडस राइजेस फ्रॉम माउंट कैलाश, रिवर इंडस, इंडस जो नदी है वो माउंट कैलाश, मतलब माउंट कैलाश पर्वत का नाम है, उससे निकली है इन तिब्बत एंड पासेस थ्रू द हिमालयाज, और हिमालय से गुजरती है। द फाइव मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस आर, इंडस रिवर की 5 मेन ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब 5 धाराएं हैं, ऐसे जैसे नदी आ रही थी ना 5 पार्ट में डिवाइड हो गई है छोटे छोटे, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनब एंड झेलम। दे फ्लो थ्रू पंजाब, पंजाब से होके गुजरती है, पंजाब से 5 नदियाँ गुजरती हैं ना, इसीलिए इसका नाम पंजाब है। एंड द वर्ड पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब का मतलब है 5 नदियों की जगह। सतलुज बेसिन इज़ मेनली इन इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में कौन सा आता है, सतलुज बेसिन आता है। द मेजर पार्ट ऑफ द रिमेनिंग इंडस बेसिन इज़ इन पाकिस्तान, इंडस का जो बचा हुआ हिस्सा है वो पाकिस्तान में आता है। द रिवर इंडस फ्लोइंग थ्रू अ लार्ज एरिया इन पाकिस्तान फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, जो इंडस नदी है वो उसका जो बड़ा एरिया पाकिस्तान से होकर गुजरता है वो अरेबियन सी में गिर जाता है। द गंगा बेसिन, द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब उत्तरी मैदानों की सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है गंगा। इट राइजेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। एंड एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, प्लेन में कहाँ पे आती है, हरिद्वार में, हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। बिफोर रीचिंग द हरिद्वार इट इज़ ज्वाइंड बाय भागीरथी, अलकनंदा एंड मंदाकिनी इन इट्स अपर कोर्स, जब ये हरिद्वार आने से पहले ऊपर ऊंचाई पर ही होती है तो इसमें 3 नदियाँ और जुड़ जाती हैं, उनके नाम क्या हैं, भागीरथी, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है हेल्पिंग रिवर, जब रिवर कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। इज़ द यमुना, तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, विच जॉइंस इट एट इलाहाबाद, गंगा और यमुना कहाँ मिलती हैं, इलाहाबाद में इन उत्तर प्रदेश। द मीटिंग प्लेस ऑफ दीज टू रिवर्स इज नोन एज कन्फ्लुएंस, हिंदी में कहते हैं संगम, जहाँ पे वो पड़ता है ना कुंभ, वहाँ पे नहाने जाते हैं। द यमुना इज ज्वाइंड बाय चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ये सब रिवर्स के नाम हैं, रिवर्स फ्रॉम द साउथ, साउथ से आने वाले इन नदियों से मिल जाता है। द अदर मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा ज्वाइनिंग इट फ्रॉम द नॉर्थ आर, गंगा की दूसरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। द रिवर सन ज्वाइंस इट फ्रॉम द साउथ, साउथ से आने वाली नदी सोन भी इसको ज्वाइन करती है, सोन कहते हैं इसको। द रिवर गंगा एंड इट्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। गंगा और इसकी सहायक जो नदियाँ हैं वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती हैं। इन वेस्ट बंगाल इट्स ब्रांचेज आर हुगली, वेस्ट बंगाल में इसकी जो ब्रांच है वो हुगली है एंड द पद्मा, दो है वेस्ट बंगाल में, हुगली और पद्मा। द सिटी कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम है रविंद्रा सेतु, हैज़ बिन बिल्ट अक्रॉस द रिवर, हुगली नदी पर कौन सा ब्रिज बना हुआ है, कौन सा पुल है, हावड़ा ब्रिज, इसका दूसरा नाम है रविंद्रा सेतु। हरिद्वार, इलाहाबाद एंड वाराणसी ऑल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर आर फेमस रिलीजियस सेंटर्स ऑफ हिंदू, हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थान हैं हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सब गंगा नदी पर बसे हुए हैं। द फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड एट इलाहाबाद, फेमस कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगता है एंड हरिद्वार में, आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल के बाद पड़ता है। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर, लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर बसा है। दिल्ली, मथुरा एंड आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, दिल्ली, मथुरा, आगरा किस पे हैं, यमुना नदी पर हैं। कानपुर एंड पटना आर ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, कानपुर और पटना में भी किस नदी में है, गंगा और के किनारे। मैनी कैनाल्स, कैनाल मतलब नहरें, जैसे रिवर ही होती है ये भी, लेकिन ये मैन मेड होती है। बीन डग इन द रिवर बेसिन, नदियों के किनारे बहुत सारी नहरें बना दी गई हैं। दीज कैनाल्स कैरी वाटर टू द फील्ड्स, इन नहरों से पानी जो है खेतों में जाता है।
एंड आर वेरी यूजफुल फॉर इरीगेशन, और ये सिंचाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। सिंचाई मतलब पौधों को पानी देने के लिए। दिस इज़ पार्ट टू।